सो वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। कैसे डिनोट किए जाएंगे? तो एरो से। इसे कहा जाएगा हेड, इसे कहा जाएगा टेल, डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेट्स डायरेक्शन इन विच वेक्टर इज एक्टिंग या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल लेंथ ऑफ एरो इंडिकेट्स क्या इंडिकेट करता है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो ये है हमारा वेक्टर। अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं हम? When vectors are arranged tail to tail, then angle between them is called as एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्या सही है? टेल टू टेल अरेंज करते हैं तो उनके बीच का एंगल ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहा जाएगा। अब देखो दो टाइप के वेक्टर्स होते हैं और देयर आर सम वेक्टर्स कॉल्ड एज पोलर वेक्टर and there are some vector called as axial vector। क्या होता है ये? पोलर वेक्टर आर द वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फोर्स है, ठीक है, व्हाइल एक्सियल वेक्टर आर दोज वेक्टर
which represents rotational effect in accordance with right hand screw rule. इसमें आ जाएंगे हमारे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, बेसिकली दे एक्ट अबाउट सर्टन एक्सिस, सही है ना? फिर हमें समझना है इक्वल वेक्टर्स कब, वेक्टर्स को इक्वल कब कहा जाएगा, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है तो ठीक है. पैरेलल वेक्टर्स कब कहा जाएगा, मैग्नीट्यूड मे बी डिफरेंट बट डायरेक्शन सेम रहेगी. ठीक है. एंटी पैरेलल वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड मे बी सेम और डिफरेंट, डायरेक्शन उनकी अपोजिट रहेगी. ठीक है. उसके बाद आ जाएंगे कोलिनियर वेक्टर. एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन. उनके बीच का एंगल इज आइदर 0 degree और 180 degree. ऐसे सेम लाइन में या ऐसे सेम लाइन में या ऐसे एक दूसरे के अपोजिट या इस प्रकार से एक दूसरे के अपोजिट. ठीक है. देन देयर इज कॉल्ड एज नल वेक्टर. क्या होता है ये नल वेक्टर? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 रहेगा एंड जिसकी डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड. ठीक है. डायरेक्शन उसकी डिफाइंड नहीं रहेगी, दैट इज नल वेक्टर. फिर नल वेक्टर के बाद, नल वेक्टर को 0 वेक्टर भी कहा जाएगा.
देन देयर इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? A vector whose magnitude is unity and points in the direction of parent vector. ठीक है, इसे generally अपन देते हैं a cap equal to a bar upon a, magnitude of a. और magnitude of a कैसे निकाला जाता है? अब हम revision कर रहे हैं तो हमें पता है it is a x square plus a y square plus a z square. ठीक है, फिर एक वर्डिंग आ जाता है कोप्लेनर वेक्टर. कोप्लेनर वेक्टर मतलब क्या? द वेक्टर्स इन द सेम प्लेन. एंड देन if the direction of vector is reverse, then the vector is called as negative vector. सही है. अब देखो वेक्टर को ऐड करने के दो तरीके हैं. आइदर ग्राफिकल मेथड So, पहली मेथड है जिसको कहा जाता है हेड एंड टेल रूल. या दूसरा नाम है इसका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ये अगर कोई पहला वेक्टर है तो दूसरे वेक्टर की टेल उसके पास में लेकर आओ, दूसरे वेक्टर की टेल उसके पास में लेकर आओ. तो लाइन जॉइनिंग फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड इज कॉल्ड एज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. This is A bar plus B bar. ठीक है, ऐसा ही है पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है, तो इसका शॉर्ट में लिखते हैं टेल ऑफ सेकंड is
near to head of first, then line joining tail of first या इसे आप कह सकते हो If two vectors are represented by addition, ne baba, adjacent side of triangles. Then third side in opposite sense. Represents. Addition of two vectors. ठीक है, अब सेम रूल या सेम एडिशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. If two vectors are represented by adjacent sides of parallelogram, then diagonal joining या diagonal starting from their common tail represents their addition. अगर P and Q ये दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स है तो ऐसा डायगोनल जो इनके कॉमन टेल पॉइंट से शुरू होता है वो इनकी एडिशन रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सर ये तो एक्चुअली अभी हमने जो देखा वही तो लॉ है. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर सेम रहेंगे. ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो पहले के टेल से दूसरे को हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन उनकी एडिशन रिप्रेजेंट करेगी. बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं. ठीक है, अब इसको ही
और एक फॉर्मूला से भी हम लिखते हैं। सर कौन से फॉर्मूला से लिखते हैं? देखो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो अब हम लाएंगे अलजेब्रा को पिक्चर में, और यहां पर आर बार कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अंडर रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू इंटू कॉस थीटा। और अब देखो ये अगर एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो आप ये लिख सकते हैं P अपॉन साइन बीटा इक्वल टू Q अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू R अपॉन साइन थीटा। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज लॉ ऑफ कोसाइन्स, लॉ ऑफ साइन। देखो P के नीचे उस वो एंगल है जो बचे हुए दोनों के बीच का है, Q एंड R, ठीक है। ये Q बार है ना, Q और R के बीच का एंगल। Q के नीचे वो एंगल है जो Q छोड़कर बचे हुए दोनों है P और R, उनके बीच का एंगल है। R R के नीचे वो एंगल है, R छोड़कर जो बचे हुए दोनों है P एंड Q, उनके बीच का एंगल नीचे रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास दो और चीजें हैं। अगर आपको दिया है देयर इज सम वेक्टर मेकिंग सम एंगल, थीटा, ठीक है, तो हम ऐसे वक्त कहते हैं कि देखो ये आर वेक्टर ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा दिया है ना, तो हम इस वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। वन वेक्टर विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, अनादर वेक्टर विल बी अलोंग वाई एक्सिस। इसको आर एक्स कहेंगे एंड इसे आर वाई कहेंगे। इसको समझने से पहले दो तीन चीजें हमने लिखनी चाहिए, वो ऐसी है। आई कैप, जे कैप, के कैप, इनको हम यूनिट वेक्टर्स करके यूज करने वाले हैं। क्या खासियत है इनकी? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड के इज यूनिट वेक्टर
अलोंग जेड एक्सिस। और दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली है एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग सम स्केलर्स। कोई भी दो वेक्टर से एक वेक्टर बनता है ऐसा हम कह सकते हैं। और दूसरा पार्ट A vector can be resolved into two components. That is, it is considered as mutually perpendicular। ये अपन अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। सो मतलब हमने कहा ऐसा कि ये कोई वेक्टर है तो ये या बेसिकली ये अगर मेरे पास वेक्टर्स है तो हम कह सकते हैं इसमें से कोई भी वेक्टर ये इस प्रकार से दोनों के एडिशन के थ्रू निकाला जा सकता है। वैसे ही उसका एक्सटेंड किया और इसको भी वैसे ही एक्सटेंड किया। सो ये अगर हमारा 3 टाइम्स ऑफ ए बार हुआ, ये 1.5 टाइम्स ऑफ बी बार रहा, तो ये हमारा सी बार रहेगा। इसको पहला माना है, इसको दूसरा माना है। पहले के हेड के पास दूसरे के टेल है तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन इनकी एडिशन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया सर। दूसरा, दूसरा पार्ट इसका ऐसा है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है तो हम कह सकते हैं कि बाबा रे ये वेक्टर ये दो वेक्टर से बना है। जानबूझकर एक लेंगे इन एक्स डायरेक्शन और एक लेंगे अलोंग वाई डायरेक्शन। सो अगर ऐसा है तो यहां पर हम लिख सकते हैं this r bar equal to rx i cap plus ry j cap। और rx की वैल्यू आप लिख सकते हो r cos theta, ry की वैल्यू लिख सकते हो r sin theta। rx equal to r equal to r bar equal to rx i cap plus ry j cap। rx को लिख सकते हो r cos theta, ry को लिख सकते हो r sin theta। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अगर आपको वेक्टर और एंगल पता है तो आप उसको i और j के फॉर्म में लिख सकते हो। और अगर आपको कंपोनेंट्स पता है, ठीक है, तो आप उससे r बार और थीटा निकाल सकते हो। देखो अगर कंपोनेंट पता है तो आप कहोगे r बार इक्वल टू या r इक्वल टू rx square plus ry square। देखो ये आ जाएगा r cos square theta, r square cos square theta plus r square sin square theta। r square common निकल गया root के बाहर तो r रहेगा and sin square theta plus cos square theta equal to 1। So r equal to under root rx square plus ry square।
ठीक है, और थीटा की वैल्यू निकालोगे आप, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स। सो अगर आपके पास आर बार और थीटा है तो आप उसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ आई एंड जे, एंड फिर आर एक्स और आर वाई अगर पता है, आर एक्स और आर वाई पता है तो आप आर एंड डायरेक्शन निकाल सकते हो। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है चलो तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस। हमारा एक वेक्टर है आर बार, थ्री डायमेंशनल है, ये आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप है। ठीक है तो हम लिख सकते हैं यहां पर सिर्फ आर, दैट इज आर बार का मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर प्लस आर जेड स्क्वेयर। ये वो हमने डब्बा वाला डायग्राम से देखा था। सर डब्बा वाला डायग्राम कौन सा? सो देखो अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट है, ये वाई एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। दिस इज आर एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है इस वेक्टर को मैं यहां लेकर आया। अब इसमें कोई जेड डायरेक्शन वाला वेक्टर अगर मिलाते हैं तो ये वेक्टर को मैं यहां लेकर आ जाता हूं और इसका रिजल्टेंट फिर आ जाएगा दिस इज आर जेड। सो ये हो जाएगा आर एक्स वाई जेड। ठीक है अगर आपको बिल्कुल सिंपल सोचना है तो देखो x और y एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, एक्स वाई प्लेन और z एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सो मैं लिख सकता हूं आर एक्स वाई का स्क्वेयर इक्वल टू आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर
therefore rxy equal to under root of rx plus ry. अब ऐसा देखो, आर एक्स वाई जेड का स्क्वेयर इक्वल टू आर एक्स वाई का स्क्वेयर प्लस आर जेड का स्क्वेयर. आर एक्स वाई स्क्वेयर है, आर एक्स का स्क्वेयर प्लस आर वाई का स्क्वेयर प्लस आर जेड का स्क्वेयर इक्वल टू आर एक्स वाई जेड का स्क्वेयर. सो ये आर एक्स वाई जेड, जिसको आप प्यार से आर बुलाते हो, इज अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वेयर प्लस आर वाई का स्क्वेयर प्लस आर जेड का स्क्वेयर. क्या सही है? सो इसलिए अब डायरेक्शन को साइन, मतलब इस आर वेक्टर ने, ये बड़े वाले आर वेक्टर ने, इस आर वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल, वाई एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल एंड जेड एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल विल बी अवर डायरेक्शन अल्फा बीटा एंड गैमा. सो ये हो जाएगा एल एम एन इज एक्चुअली कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, और ये आता है आर एक्स अपॉन आर, आर वाई अपॉन आर, आर जेड अपॉन आर, दैट इज आर एक्स अपॉन अंडर रूट आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर प्लस आर जेड स्क्वेयर. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस. और इसके लिए आपको एक रूल है, और इसके ऊपर का क्वेश्चन भी हमारे लिए आया था, कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गैमा, इसकी वैल्यू आ जाती है 1, एंड साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा प्लस साइन स्क्वेयर गैमा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2. ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर. डब्बा डब्बा ही निकालू. अगर ये कोई है पॉइंट x, y, z, तो इस पॉइंट की पोजीशन दिखाने वाला वेक्टर इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर. और ये आ जाएगा r बार
आर बार इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्या सही है? इसे कहा जाएगा पोजीशन वेक्टर। इसको मैं एक्स मानता हूं, इसे वाई मानता हूं, इसे जेड मानता हूं, तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये एक्स जेड प्लेन में है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, जेड कोऑर्डिनेट जेड रहेगा, और इसका पोजीशन वेक्टर अगर मुझे लिखना है हम इसको कह रहे एम बार, तो एम बार आप डायरेक्टली लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ऐसे आप आराम से अलग अलग वेक्टर्स के अगर कोऑर्डिनेट पता है तो पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली लिख सकते हो। अब दो दो चीजें है अपने पास, कौन सी दो चीजें है? समथिंग देयर कॉल्ड एज समथिंग कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर कोई स्केलर क्वांटिटी आती है तो उसे कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी आती है तो उसे कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। इसका घर का नाम है डॉट प्रोडक्ट और इसको प्यार से बुलाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है a बार इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, b बार है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो हम a बार डॉट b बार इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और इसको ही लिखने का दूसरा तरीका है ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। हमें एक चीज पता रहेगी आई डॉट आई इसकी वैल्यू आएगी वन वाइल आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 cos 90 की वैल्यू जीरो, सो डॉट प्रोडक्ट मिनिमम जब थीटा इक्वल टू 90 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम जब थीटा इक्वल टू जीरो और 180 दैट इज दे आर पैरेलल, ठीक है। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप लिखोगे ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार, और ए बार क्रॉस बी बार को देने का दूसरा तरीका है आई जे के और यहां पर आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, ये आएंगे जीरो क्योंकि साइन जीरो इज जीरो, एंड आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इक्वल टू जे, सो बेसिकली ये साइकिल में रहते हैं। आई जे का प्रोडक्ट आएगा के जे के का प्रोडक्ट आएगा आई, के आई का प्रोडक्ट आएगा जे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो J क्रॉस I इक्वल टू माइनस K, K क्रॉस J इक्वल टू माइनस I एंड
आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे। अब इनकी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज है? डॉट प्रोडक्ट के लिए आप लिख सकते हो ए बार डॉट बी बार इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप लिखोगे ए बार क्रॉस बी बार पहले तो लिख लो इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, बट ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार इक्वल टू ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। ए बार डॉट ए बार इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, एंड ए कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, व्हाइल बी कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। ऐसा ही इधर लिख सकते हैं, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। ठीक है, ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, व्हाइल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए बार क्रॉस बी बार। क्या सही है?